क्या तुम किसी SMP में एक हार्ट पे सरवाइव कर सकते हो? अगर तुम्हें एक हार्ट पे सरवाइव करना चिंदीगरी लग रहा है तो नहीं। एक स्केलेटन का एरो, एक जॉम्बी का पटका, यहाँ तक कि प्लेयर का बस एक हाथ मेरे को पूरा सर्वर से बैन कर सकता है। हाँ सही समझे, ये लाइफ स्टाइल है। तो अगर मैं मरा तो मैं लिटरल बैन हूँ, और हमारा गोल होगा इस सारे SMP प्लेयर्स को मारना। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर पहले ही मर जाऊंगा? लेकिन उससे पहले तुम ये जानो कि मैं एक हार्ट पे आया कैसे, जबकि सारी SMP के पास फुल हार्ट थी। SMP के स्टार्टिंग से 10 मिनट तक कोई फाइट नहीं करने वाला, एंड आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स गो, एक न्यू बिगनिंग शुरू हो गई भाई। ये सारे लोग पिटने वाले भाई अभी। यस, मैं SMP में बहुत ज्यादा अच्छी तरह ग्राइंड कर रहा था, यहाँ तक कि सबसे पहला डायमंड मेरा ही था। एंड ऐसे ही माइन करके मैंने अपना पूरा डायमंड आर्मर बना लिया। लेकिन फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई और फिर मेरे साथ ये हुआ। अरे गाना भाई सुना नहीं तूने? बहुत पॉपुलर है। कितना No! Yes, यहाँ पे मैं मर चुका था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? वहाँ जाके अपने हर्ट्स उठा लो। Yes, यही तो प्रॉब्लम है। एक बार को तुम किसी प्लेयर से मरोगे तो उसके पास हर्ट चले जाएगा, लेकिन अगर तुम नेचुरली मर गए तो वो हर्ट हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं वहाँ पे गया लेकिन वहाँ पे हर्ट नहीं था। लेकिन हटाओ भाई ये साइड म्यूजिक, 9 हर्ट पे हो कोई अभी भी मेरा कुछ क्यों? हाँ, मैं ऐसे ही बचकानी हरकतों से मर रहा था, और ऐसे ही हर बार 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 मर मर के मैं 5 हार्ट पे आ गया। लेकिन मैंने सोचा 5 हार्ट में कुछ चैलेंजिंग लेते हैं और टोटम के लिए रेड कराते हैं। मेरे पास इफेक्ट देखो मेरे पास। घर के अंदर से बैठूंगा, मैं घर के अंदर से मारेगा। नहीं हो सकता, वो खोल के आते दरवाजा। बच सकते भाई, इनके वो है ना, बन सकते हो। हाँ भाई, तो शील्ड है मेरे, हो जाता यार ऐसा। अरे रुको रुको, यप सब ने मेरे को मना कर दिया, जो कि वो लोग सही भी थे। लेकिन मैं भी कौन सा सुधरने वाला था, मेरे पास सब कुछ था बस नेदराइट छोड़ के। तो हाँ, मैं 5 हार्ट पे नेदर में गया नेदराइट माइन करने के लिए बिना फायर एस के 5 हार्ट पे, और मेरे को बहुत सारे नेदराइट मिलते भी है। लेकिन गेस व्हाट, ओ नो लावा, ओके आई एम डेड, आई थिंक आई एम डेड, प्लीज प्लीज। मैं मर गया वापस। यस, और इस बार मेरी सिचुएशन बहुत बुरी थी। मैं इतने से बॉक्स में 4 हार्ट में बिना किसी पिकेक से फंस चुका था। अब बहुत दूर है। कितना दूर हो? बहुत दूर, लाइक 6-7,000। और मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि सब लोग बहुत दूर जा चुके थे। तो मेरे अंदर वापस से चुल मच गई और मैं वापस नेदर गया बिना किसी सामान के। भाई टर्स लग गया भाई, मैंने अब भी बोला था, ये कहते कि नहीं डेडलीस्ट प्लेयर बनूंगा भाई, अब नहीं मरूंगा। अब भी मरेगा, अभी जस्ट अभी मरे यार। 5 सेकंड में भाई मैं वापस मर गया। नो नो, मैं खेल ही नहीं रहा। और हाँ वही हुआ। लेकिन गेस व्हाट, एक बंदे ने मेरी मदद की, स्पोटू। लेकिन कंडीशन ये थी कि स्पोटू बस मुझे पिकेक्स देगा और मुझे अपना सामान खुद लेना होगा। जल्दी दे मेरे को थोड़ा खाने दे और पिकेक्स दे अपने, ये वाला पिकेक्स दे। आर्मर दे सकते हैं? आर्मर दे सकते हैं? नहीं आर्मर तो अभी मैं नहीं दे सकता, जल्दी जा, मैं आऊंगा साथ में। मत आ, अगर मैं अभी मर गया तो मैं समझ ले मर गया। बट सारे बंदे चले गए क्या VC से? खाली ड्रैकू है। बताओ भाई, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तो ट्रह पे या कुछ है। हो सके तो इसमें जाके हाँ। मेरे पास बहुत सारे नेदराइट था, कम से कम 5-6 नेदराइट। What? और मेरे नेदराइट? पास हाँ, और 5-6 ब्लॉक डायमंड के, जाके हो सके तो जाके। एक काम कर सुन, अपना एक हार्ट मेरे को दे दे, क्योंकि मेरे पास हार्ट्स कम है और नेदर में बहुत रिस्क है। कितने कैसे देते कैसे? LS withdraw, मेरे पास एक ही हार्ट बचा है बस अब। हाँ लिटरली मैंने थोड़े से सामान के लिए अपने पूरे 4 हार्ट खो दिए, और अब बस मेरा एक ही भरोसा था स्पोटू। और 2 ब्लॉक के बीच में रहना, 2 ब्लॉक ऐसे नहीं। अरे यार वहाँ चल, अंदर जा, मार मत उसको कुछ, अभी उसको पता नहीं चला तो उसके पास ही मत जा। यहाँ पे तो कुछ ना हो रहा, आई गेस यहीं पे जाना पड़ेगा। हाँ अच्छी से काम हो रहा है। अरे भाई स्टॉप, तो साइड से जा। देयर इज नो फ्रीकिंग वे कि मैं जाऊंगा तो बचूंगा। अबे क्या है ये ना। अबे यहाँ से तो काम हो रहा है, मतलब
शिट मेरे को यहीं पे जाना और हाँ स्पोटो भी यहाँ मर चुका था। और इसी के साथ मैं इतनी सी जगह में बिना कुछ सामान के साथ एक हार्ट पे फंस चुका था। सारे एसएमपी ने बोल दिया था कि स्टील भाई नूब है, पहले दिन ही बैन होने की नौबत आ चुकी थी मेरी। और हाँ कहना भी चाहिए क्योंकि सही में अब मुझे भी बैन होने से कोई नहीं रोक सकता था। अनटिल मैंने एसएमपी के डिस्कॉर्ड में ये डाला, आई एम ऑन वन हार्ट फ्रॉम दिस आई विल डोमिनेट दिस एसएमपी। और मेरी शुरुआत होती है एक हार्ट से। अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी की हेल्प तो चाहिए थी और वो हेल्प करता है अनबाउंड। हेलो अनबाउंड, लो पिकैक्स, लो खुद माइन करो मेरा बेस। मैं इधर से कूद नहीं सकता, अगर मैं इधर से कूदा अभी तो मींस बाहर आ जाओ, तो मैं निकाल देता हूं उससे। नहीं वाटर को बाहर नहीं आने है बेस में, एक हार्ट में। ओके मेरे को तो अनबाउंड। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यस, यहाँ पे अनबाउंड मर गया था क्रीपर से। अभी तक जो भी मेरे को बचाने आ रहा है वो मर ही जा रहा है, लेकिन अनबाउंड के मरने से मेरा फायदा हुआ, मुझे एक आर्मर मिल गया। हाँ मैंने अंदर ही अंदर ग्राइंड करके उसको वापस लौटा भी दिया, लेकिन एक हार्ट में मैं बाहर तो निकल नहीं सकता था, तो मुझे हार्ट सुधार में चाहिए थे और वो बंदा होता है डार्क। कि मेरे पास तेरे को पता भी एक हार्ट है, ठीक है? यहाँ मुझे पता है आपके पास एक हार्ट है, तो क्या तो मेरे को अपने हार्ट थोड़े उधार पे दे सकता है? मैं उसको लौटा दूंगा, उसको मैं दुगना करके लौटाऊंगा जितना तो मेरे को दोगे। और अगर लौटा नहीं पाए तो? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। मैं नो हार्ट पे अभी तो फिलहाल, तो दो दे सकते हो बस। मैं तुमको बाद में चार दे सकता हूँ, नहीं तो क्या पता पांच भी दे दूं। बाद में मैं तुम्हें दूंगा हार्ट्स, पक्का दूंगा अगर मेरे पास बने ना। आई विल गिव यू। ओके आई एम रेडी। 5 हार्ट्स लेकिन दुगना। और 5 हार्ट्स आपने बोला, 5 हार्ट्स देंगे। 5 हार्ट्स मैंने 4 बोला, मैं 2 वीक्स का टाइम दे रहा हूं आपको। 2 वीक्स यहां पे मैंने डार्क को तो मना लिया था, लेकिन शायद किस्मत अभी तक मेरे पास नहीं था। वो तो आप बोल रहे हो, आप मुझे हार्ट्स दोगे क्या? तमाम थैंक यू सो मच। यहाँ पे अभी मेरी स्टार्टिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी, एंड इसी समय रॉबी एक ऑफर देता है पूरे एसएमपी को। आपको ना आर्मर देंगे, ठीक है? आप हमको एक स्ट्राइक गोल्ड ब्लॉक देना। मैं दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। यस, मुझे नेदरराइट आर्मर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसको एक स्ट्राइक गोल्ड ब्लॉक में खरीद ली। एंड आर्मर मेन नहीं था, उसके साथ जो मुझे मिला ये हार्ट, ये अभी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद मैं स्पंकी स्पोटू स्कारू एक टीम में हो जाता है और हम लोग आराम से एक साथ ग्राइंड कर रहे थे। लेकिन और ये भी देखते कि बाकी कोई प्लेयर चीटिंग तो नहीं कर रहा, और ये मेरे पास आता है बस प्लगइन चेक करने के लिए। मारो मेरे को, हार्ड डिस्क में चला गया ना, वो दे, वो मैं ले लूंगा। ए स्टीलिंग हार्ड दियो, हार्ड हार्ड हार्ड, रुक जा विड्रॉल करता हूं। ये क्या, ये नेदर सस्ता वाला बीकन है क्या? नहीं महंगा वाला, इसको मारो पहले और अभी उस पे क्लिक करके सर जूस होगा, ठीक है? रिवाइव बुक को सर, हां राइट क्लिक करो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैन सर जूस, सर जूस, सर जूस कर दिया। हाथ तो बराबर ही होते हैं। हां सही है, है ना? Guess what? Juice के second time मरने के बाद कोई भी मेरे पास हार्ट लेने आया ही नहीं। यहाँ मेरे पास अब 5 हार्ट हो गए थे, एंड अब मेरा मेन गोल सारे एसएमपी से एक एक करके उनका हार्ट लेना। एंड इसमें मेरी मदद करने वाला था मेरा ये सॉर्ड, जिसका नाम मैंने रखा था वन हार्ट, और इसी से मैं इस पूरे एसएमपी को डोमिनेट करने वाला हूँ। सो हमारा पहला टारगेट है एपिक प्लेस।
एक्चुअली सबसे पहले एपिक का मेरे को मैसेज आता है, स्टील भाई क्यों ना एक नेदरराइट की डील की जाए। आई वाज लाइक ओके, वैसे भी मुझे तेरे को मारना ही है। यप, तो अब शायद हम लोग एपिक से फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आ रहा हूं, ये थोड़ा पहाड़ी रास्ता है ना, पानी के बीच में हो क्या? नहीं, पानी के बीच से इधर आ, इस वो क्रॉस करके ले। या आ गया, बोर्ड दिख गई मेरे को। तो मैं बोल रहा हूँ ये ले, मैं तेरे को 2 क्रॉट पोर देता हूँ, तो अपना पहले मुझे सामान दे। बट उससे पहले वेट, क्या रुको ना। हाँ, ये कॉम्बैट लॉग। राम राम। No way! नहीं! आ जाओ। आया देख। अबे क्या कर दिया? Thank you, Epic. हमारा पहला शिकार इस एसएमपी में मर चुका था, लेकिन इसी समय पता नहीं क्यों अनबाउंड मेरे को वीसी बुलाता है। इतना डर मत भाई, देख मैं कुछ नहीं कर रहा। थैंक यू। अनबाउंड की हालत अभी इस एसएमपी में अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको अपना एक हार्ट दे दिया, लेकिन तुम्हें पता ही है ना हमारी किस्मत। हेलो, गेम शो में होने क्या वाला है? गेम शो में चेस्ट वाला गेम बोलेंगे। ए सुनो, जाने से पहले सुनो, मारना मत। चलो दक, दक। अरे देखो आओ, और ये था तुम्हारा गोल्डन का हॉर्स आर्मर। व्हाट? और ये रहा तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तो मेरा ही है, तुमको दूंगा। अच्छा, देखो ये है 5 चेस्ट, ठीक है, खोल के देख लेते। देखो सब चेस्ट खाली है, ठीक है, किसी एक चेस्ट के अंदर मैं रखूंगा पहला राउंड के लिए। चलो हर्ट ही रहते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ओके लेट्स गो। तो मैं कोई एक चेस्ट के अंदर रखूंगा, ठीक है। ओके, पता नहीं तुमको चूज करना है। हाँ, अब एक बार मेरे को ये चीज कर जाओ, तुम उधर जाओ, और अगर मैं हार गया, हाँ ठीक है, तो मैं हार गया, लेकिन मैं फिर बाकी सब चेस्ट खोल के दूंगा कि तुमने एक्चुअली रखा भी है कि नहीं। क्योंकि तुम स्कैम कर सकते हो। क्योंकि तुम स्कैम कर सकते हो। चलो एक चांस मिलेगा। ओके ओके, नहीं निकला, मैं बाकी सब देखूंगा। तुम इतने सारे क्यों खोल रहे भाई? क्यों खोल रहे है? साले रेड डाई रखता है, हार्ट के बदले रेड डाई रखता है। मार क्यों रहे? मारो मत, प्लीज मारो मत। ओके ओके, मारो मत। हार्ट के बदले मेरे को स्कैम करने की कोशिश। ये तुझे क्या लगा मैंने टेक्सचर पैक डाउनलोड नहीं करके रखा है? मैंने टेक्सचर पैक डाउनलोड करके रखा है ब्रो। अनबाउंड हेलो, हाँ, उसके को उसका रेड डाई से हार्ट तो लिख देता उसके ऊपर। अनबाउंड, हाँ, हीलिंग के पोशन मेरे जाने दो ना। अरे ठीक है, ठीक। अरे मेरे को लग रहा है ऊपर ही हूँ। आ जाओ केव से ऊपर आओ ना। अरे नहीं, मैं ऊपर ही हूँ। ऊपर आ जाओ भैंस की, तुम्हारे उससे कहने तुम्हारे ऊपर ही पेलता हूँ। भाई पीछे से हमला कर, मेरे को मत मार एसपी। अरे ये तो फट्टू लोग निकले भाई तुम लोग। अरे अनबाउंड, अरे भाई लटा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे उसके सारे हॉर्स चाहिए होंगे। चलो एक दो, चलो पूरा नहीं दूंगा, पूरा एक एक करके ट्रेड होगा हमारे बीच में। नहीं नहीं एक एक करके ब्रो, एक एक। अरे फिर टूल्स के लिए मैं एक और हॉर्स दे दूंगा ना।
गया क्यों? हेलो, मैंने इसको मार दिया। यस, यहाँ पे मैं अनबाउंड को एक हार्ट पे छोड़ देता हूँ, सेम मेरी जैसी हालत में। लेकिन वेट, तुम्हें याद है जब मैं एक हार्ट में फंसा था तो कोई नहीं, बस अनबाउंड मेरी मदद करने आया था। लाइक वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं बैन नहीं हूँ। सो मैंने थोड़ी दया करी और बेचारे को उसके हार्ट्स और सामान वापस कर दिए। ये सब जब हमारे बीच में हो ही रहा था तभी डार्क एसएमपी में एक फोटो डालता है। यस, ड्रैगन एग। लेकिन अभी तक तो एंड बंद है, बिना एंडेड ड्रैगन को मारे कोई ड्रैगन एग कैसे ले सकता है? एंड बंद मतलब ये होता है कि एंड का पीछे से बैक एंड से एंड का फाइल, मतलब कि एंड एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए सर्वर क्लियर। तो फिर तुमने जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तुम ग्लिचेस के बिना भी कैसे दूर जा सकते हो जब एग्जिस्ट ही नहीं करते है? तो ये मिस्ट्री के बीच में मैं सबसे बात ही कर रहा था तभी मुझे बीच में रॉबी मिल जाता है। ओके, रॉबी मिला। अबे इतना इजी है क्या मारना? वैसे जब तक ये मार खा रहा है मैं तुम्हें एक ट्रस्टेड वेबसाइट बीसी गेम्स के बारे में बताता हूँ। मारना भी चालू कर दिया तुम लोग ने। अबे 2 मिनट चुप हो जा। बीसी गेम्स में तुम बहुत सारे गेम्स खेल के तुम प्राइजेस जीत सकते हो। और पता है रॉबी को मारना इजी तो है ही, इससे ज्यादा इजी है इसमें गेम खेलना। इसमें ऐसी गेम्स है जो कि तुम लोग बचपन में खेलते थे, जैसे ये कॉइन फ्लिप, मतलब बस सिक्का घुमाओ और प्राइजेस जेब में। वैसे इसमें प्राइजेस विड्रॉल वगैरह करना बहुत ही ज्यादा सेफ है, तो चिंता मत करना। और आजकल तो आईपीएल भी आ रहा है, जैसे रॉबी को मार के मुझे हार्ट मिल गया वैसे ही तुम्हें आईपीएल में भी दिमाग लगा के प्राइजेस जीतने होंगे। वैसे ही ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, किसके? स्टील विंग के। तो तुम लोग के लिए मैं और आसान बनाता हूँ, तुम लोग कमेंट में जाके मेरा प्रोमो कोड यूज करना स्टील विंग, जिससे तुम्हें पहले ही बहुत सारे बोनस मिल जाएंगे। और तुम क्या बोनस को ऐसे ही छोड़ दोगे हैं? वीडियो के बाद बीसी गेम को जरूर चेक करना। रॉबी भी अब मर गया था, लेकिन ड्रैगन एग की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। तभी जीबीआई जो की एसएमपी में एक न्यू प्लेयर है उसका मेरे पे कॉल आता है। ड्रैगन एग वो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, लेकिन तुम्हें तो पता होगा ना। यस, क्या है भाई बताओ ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपको ड्रैगन एग देता हूँ तो आप क्या दे सकते हो? क्योंकि मेरे को काफी यूजलेस लग रहा है ड्रैगन एग रखना। और टोटम? हाँ ठीक है, एमरल्ड भी चलेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन एग की मिस्ट्री सॉल्व हो जाने वाली थी। इवन मेरे पास भी ड्रैगन एग आने वाला था, वो भी बिना एंड जाए। मैं तो पहुंच गया। ओके शांत, वही 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 रुको, वही रुको। वो कहाँ पे तुम? मैं आगे चला गया, तुम मैं रख दिया है ड्रैग, तुम्हारी बारी है रखने की। टोटम्स ओए, ओ स्कैम्ड, 6 हार्ट पे हूँ मैं। आए क्या करूँ, गिव अप कर दूँ? कर दे कर दे कर दे, चलो डील रखते हैं। तुम अपने 2 हार्ट से तुम्हारे सारे सामान बच जाएंगे, फिर नहीं तो तुम्हारे हार्ट भी जाएंगे, तुम्हारे सामान भी जाएगा। देख लो, रुक गया, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, भागना मत। रुक रुको, एक सेकंड, मुझे दिखता नहीं। हाँ चलो चलो, थैंक यू, तुम जा सकते हो। ऑलराइट, ओके, तो आई एम गेटिंग स्कैम्ड फिर से। यू किडिंग मी? स्टील रिंग, दिस इज नॉट बैड फॉर स्लैग, स्टील में सब चलता है। चलो भाई, व्हाट, मैंने जीबीआई को मार दिया वो भी बिना ड्रैगन एग लिए? लाइक मैंने मोस्ट रेयर थिंग को हाथ में आने से गवा दिया? नो, बिल्कुल नहीं। देखो ये सारे स्क्रीनशॉट तो रियल है, लेकिन ये ड्रैगन एग रियल नहीं है। सब लोगों ने बस किसी भी आइटम पे ड्रैगन एग का टेक्सचर चढ़ा रखा है। बस जीबीआई मुझे स्कैम करने वाला था, मैंने उसी पे कर दिया। जीबीआई का भी गेम खत्म हो गया था। एंड नेक्स्ट बंदे ने खुद मेरे से आके पूछा, स्टील मुझे स्लाइम चाहिए, तो क्या तुम मुझे स्लाइम दोगे? आई वाज लाइक ओके, मैं तुम्हें पूरा फार्म दूंगा, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ थोड़ा दूर है स्लाइम फार्म, तो चले जाओ इतना इधर से। तुम्हें लगता है मैंने फार्म बनाया होगा? नहीं, मैंने उसको स्कैम कर दिया। अरे वो वीसी, व्हाट एपिक, नहीं कर रहा है स्ट्रेंथ लगा दिया, बहुत रुक जाओ, मैं भी लगाता हूं। ओके फाइट हो रही है क्या? यप, ए डोंट स्टॉप, मुझे पार्टिकल ऑफ करके मुझे पता ही नहीं स्ट्रेंथ कितनी लगाई किसने। अबे मत लड़ो ना, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो सिनाई, तू को मारो 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 सिनाई, मारो 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 मारो, उसका जिंदा पे नहीं, मारो मारो खत्म। नाइस जी जी, सामान दे दो। अरे वो लैग कर गया।
बहुत ही गंदा पेलते हैं एंड तभी केप स्लाइम फार्म भी पहुंच जाता है। कोई स्लाइम फार्म नहीं है भाई, स्वाम भाई होगा बस। अबे होगा तो एकदम एग्जैक्ट कॉर्ड में जाना। एग्जैक्ट पे ही हूं। एग्जैक्ट पे? नो वे मैन। हां केप्स 6043। हां हेलो केप्स। हां वहाँ पहुंच गए क्या स्टील भाई? यस मैं फेक स्लाइम फार्म आके भी केप से फाइट ले लेता हूँ। व्हाट व्हाट अभी अंडरपल से मारा सीरियसली? वो दिखाया होगा कि वो रनिंग केप्स को भी मैंने मार लिया था और हमारे नेक्स्ट शिकार थे फ्लेम पाजी, लेकिन यू नो थोड़ा अलग स्टाइल में। देखो माइनक्राफ्ट में एक ऐसा ग्लिच है, अगर तुम ऐसा सेटअप बना के फिर फर्स्ट लॉट में स्पैम करोगे एंड जब टीएनटी फटेगा तो गेस व्हाट, सामान ड्यूप हो जाने वाला है। एक और चीज, ये बस दिखाने का ड्यूप है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही अपने आप फिक्स हो जाता है, तो क्यों ना फ्लेम पाजी को इसमें फंसाया जाए। थोड़ी दूर से ट्रेड करेंगे ताकि कोई किसको लेके भाग ना जाए। ठीक है चलो ठीक है ठीक है। तो आप इधर रहो, ठीक है आप इधर रहो और मैं उधर रहता हूँ। अरे ये दे दो, आप बना दो भाई मेरे लिए चेस्ट। आपसे चेस्ट बनी है अभी तक? मेरी तो बन गई है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, धमाके कर रहे हो वहाँ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वो गेमर मूड ही था। देखो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो ये तो मेरे हार्ट है, ठीक है ये आपको मैं 5 हार्ट देने वाला, तो क्या हार्ट है, गिव एन एक्स्ट्रा हार्ट। देखो गिव एन एक्स्ट्रा हार्ट दिख रहा है, इसको मैं रख देता हूँ चेस्ट में। ठीक है आप भी उधर अपने चेस्ट में रख दो, जाओ। ओके मैंने भी डाल दिया, आ जाओ ले लेते हैं। टोटन डाल दिया? हाँ लेकिन उधर हार्ट डाल दिया। हाँ हाँ ठीक है ब्रो। अबे पोटैटो है तो ओए ब्रो। सॉरी थैंक यू फॉर योर हार्ट। फ्लेम को मारने के बाद आता है मेन टास्क, डार्क वेब को मारना। लेकिन मेन टास्क क्यों? क्योंकि डार्क एक एसएमपी में ऐसा बंदा है जो कि ना किसी नेचुरल डेथ से मरा है और ना किसी प्लेयर से। इसका मतलब हमें डार्क को मारने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं एक ऑब्सीडियन बॉक्स बनाऊंगा और यहाँ मैं डार्क को ले आऊंगा 5 हार्ट देने के बहाने और मैं बोलूंगा उससे मेरे से फेयर फाइट करे। लेकिन अगर बाय चांस मैं मरने लग गया तो इधर मेरा होगा घर और स्पोटू मेरे को एंडरपल चेंबर से इधर टेलीपोर्ट कर देगा और फिर इस बॉक्स में स्कारू ज्वाइन करेगा जो कि डार्क को भागने नहीं देगा और फिर होगा इधर स्पंकी जो कि हम दोनों को एंडरपल चेंबर से इधर टीपी कर देगा जिससे हम तीनों मिलकर आराम से डार्क को मार सकते हैं। स्पोटू व्हाट में टीपी क्यों नहीं हुआ, क्यों? कुछ गलत हो रहा है गाइस, जाते लग रहा है। हेलो नहीं, हेलो ब्रो नहीं, डार्क नो बेस। स्पंकी फटाफट फोटो को टीपी कर, हम लोग टीपी क्यों नहीं हो रहे हैं? शेष मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन सीक्रेट एजेंट्स वॉन्ट, इतने सारे लोग गेम में एक साथ। अच्छा सर्वर सेंस ओके डार्क का जब प्लान फिर क्या लगा कोई मरा? नो वन नीचे उसके पास वो था एंडरपल, मारो तो अपना एंडरपल, सब लोग एंडरपल। यस 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 यस
अरे स्कारू मेरे मुंह में देख, ऊपर चल। आप तो डेडलीस्ट प्लेयर थे ना सिंपी के। व्हाट हैपेंड डैड? यस, व्हाट हैपेंड डैड? यस, यहां पे एक्चुअली मुझे फियर फाइट के लिए बुलाया गया था, आई गेस। व्हाट हैपेंड? ओके, ऊपर डार्क यहां पे मेरे से बच गया था। हां, सर्वर ने बीटी करी और किसी को भी डीपी नहीं किया, इसीलिए शायद वो बच गया। लेकिन अब मेरी सॉर्ड का काम हो गया है, मैंने लगभग सबको मार दिया। व्हाट, मेरी टीम? ओके, ये आसान है। अबे तू गया। Yes. ने वाले तू मरने गया क्या? गया स्कारू। ओलोल गया क्या? यप, अब ऑलमोस्ट सब लोग मर गए और शायद मैंने एसएमपी को भी डोमिनेट कर ही लिया है। एंड अब मेरे वन हार्ट का काम हो गया है, सो अब मेरा वन हार्ट हमेशा के लिए इस जगह पे बंद रहेगा।